सब कैलकुलेशन के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में, ठीक है। मेंसुरेशन क्या है, इसको हम दूसरे नाम सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसमें हम ज्योमिति आकार की जो वस्तुएं होती हैं उनकी हाइट, एंगल, एरिया, वॉल्यूम इत्यादि को निकालते हैं, जिसके द्वारा कितना इसके ऊपर खर्च आएगा या उसका कितना व्यय होगा उसका अनुमान भी इसके द्वारा हम लगा सकते हैं। इसीलिए जो सॉलिड ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है उनकी हम हाइट, एंगल, एरिया, वॉल्यूम इत्यादि का निकालते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सर्कल, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, स्फीयर इत्यादि का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनके द्वारा हम किसी का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण, परिमाप, भुजा वगैरह को, उसकी लंबाई या चौड़ाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें जैसे आयत का क्षेत्रफल अगर मालूम हमें निकालना है तो हमें दो चीज़ों को मालूम होना चाहिए, दो चीज़ें मालूम होंगी, लंबाई और चौड़ाई, जिसके द्वारा हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और यदि हमें उसका परिमाप ज्ञात करना हो तो आयत का परिमाप होता है गुना लंबाई धन चौड़ाई। अगर हम लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ लें और उसका गुना कर दें तो उसके द्वारा हम परिमाप को निकाल लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार विकर्ण अगर ज्ञात करना हो, कॉर्नर टू कॉर्नर जो विकर्ण जिसका कहते हैं डायगोनल कहते हैं, उसको अगर ज्ञात करना हो तो उसके द्वारा उसको हम अंडर रूट करके लंबाई प्लस चौड़ाई का, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग के द्वारा हम जो है विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भुजा एक उसमें, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, तो उसमें अगर हमें कोई एक भुजा अगर मालूम है तो एक भुजा के द्वारा हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि उसका कर्ण ज्ञात करना हो, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्ञात करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, भुजा की लंबाई इंटू अंडर रूट टू से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर जैसे आयत का क्षेत्रफल के आधार पर ही हमें कोई चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई आयत